राम राम मेरे किसान भाइयों। जो आज की दोस्तों वीडियो होने वाली है वो है कबूटा MU5501 जो कि रोटरी सीडर पे चल रहा है। दोस्तों ये धान की कटाई इसमें हुई है, ये हाथ से कटाई हुई हुई है और ये रोटरी सीडर इस पे चल रहा है। ये देखिए और इस पे आपको इस ट्रैक्टर का पूरा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर दोस्तों इस ट्रैक्टर की बात करें तो ये 55 HP का ट्रैक्टर है और इसमें ये रोटरी सीडर पे चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8 फीट का ये रोटरी सीडर है। और इस ट्रैक्टर के दोस्तों पिछले टायर में 50-50 kg की दो प्लेटें लगी हैं जिसे वेट कहते हैं और इसमें 16-9-28 के पिछले टायर हैं MRF के। दोस्तों आप ट्रैक्टर की आवाज़ सुनिए, इस ट्रैक्टर में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सुन पा रहे होंगे, साइलेंट आवाज़ है इस ट्रैक्टर की, साइलेंट इंजन कह सकते हैं इसे, कार की जैसी आवाज़ है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ये और दोस्तों ये जैपनीज ट्रैक्टर है, जैपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और इसमें फ्रंट में बात करें तो इसमें फ्रंट में भी वेट कंपनी ऐड करके देती है जैसे कि टूल बॉक्स वेट कह सकते हैं आप। और इस दोस्तों रोटरी सीडर की बात करें तो ये 8 फिट का रोटरी सीडर है जसपाल का, जसपाल पटियाला टू नाभा कलां पटियाला। तो दोस्तों इसमें गेहूं की बुवाई हो रही है, ये देखिए इसमें जैसे कि धान कटा है उसके बाद तुरंत ये ऐसे ही इसकी बुवाई हो रही है दोस्तों गेहूं की। ये नहीं है कि इसमें किसी चीज़ से जुताई हुई है, बिल्कुल बिना जुता खेत है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें तरेड़े आई हुई हैं खेत में, सूखी काली मिट्टी है दोस्तों। ये अगर इस वीडियो की बात करें तो ये जो वीडियो शूट आ रहा है दोस्तों ये पंजाब की ज़मीन पे शूट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही पक्की काली ज़मीन होती है जैसे आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, काली मिट्टी है, बहुत ही पक्की मिट्टी है। और उसमें ये ट्रैक्टर बहुत ही शानदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाता हुआ, ये देखिए आप इसमें कहाँ तक ये मिट्टी फेंकता हुआ। अब दोस्तों इसके गियर की बात करें तो ये दूसरे के लो में ट्रैक्टर चलता हुआ, दूसरे के लो में, और ये दोस्तों चल रहा है 1800 चक्कर पे। बहुत ही शानदार बुआई और जुताई एक साथ करता हुआ ये ट्रैक्टर और ये रोटरी सीडर, ये देखिए दोस्तों दूसरे के लो में चल रहा है ट्रैक्टर और 1800 चक्कर पे चल रहा है। आपको ऊपर बैठ के भी दिखाएंगे कि कितने चक्कर ड्रॉप कर रहा है ट्रैक्टर या नहीं कर रहा। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, अपने यहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने इस ट्रैक्टर में लगाई है। इसका साउंड बिल्कुल ही साइलेंट कर दिया है, इंजन का साउंड बिल्कुल नहीं है और इसमें जो सलेंसर है ये विदाउट जाली वाला एग्जॉस्ट आता है इसमें। 55 HP का ट्रैक्टर है ये, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर ये। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों आपको बताया कि पंजाब में मॉडिफाइड ट्रैक्टर करा के रखते हैं लोग, ये देखिए फाइबर छतरी लगवाई हुई और बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी इस पर लगवाया हुआ। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से रोटावेटर कटाई करता हुआ, आप इस ज़मीन को देखिए दोस्तों बहुत ही पक्की ज़मीन है ये, करेड़े इसमें आई हुई हैं पहले से ही, ये देखो आप बिल्कुल काली मिट्टी। क्या शानदार तरीके से जुताई होके इसमें हाथों हाथ बुवाई का काम होता हुआ, और दोस्तों इसके तेल की खर्चे की बात करें तो ये 5 से 6 लीटर तेल इस पे आराम से ले लेगा। और अगर बुआई की बात करें तो ये घंटे में कितनी बुआई करेगा तो ये 6 से 7 बीघे ज़मीन, 1 एकड़ आप कह सकते हैं, 1 एकड़ ज़मीन आपकी आराम से बुआई कर देगा इस रोटरी सीडर पे, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर थोड़ा कम स्पीड पे चलता है, चक्कर ज़्यादा रखने पड़ते हैं ताकि अच्छी तरह से इसकी जुताई हो पाए। दोस्तों ये लेटेस्ट ट्रैक्टर है जापानीज जो इंडिया में एक या दो ही मॉडल इंडिया में अभी लॉन्च हुए हैं कबूटा के, और ये बहुत ही शानदार ट्रैक्टर अभी तक साबित हुए हैं। इन लोगों से भी हमने बात करी है
इस ट्रैक्टर के बारे में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया इस ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस को। तो दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल पे, जो नए मेरे भाई हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए दोस्तों एक से एक अच्छी वीडियो, एक से एक बड़े ट्रैक्टर के साथ, बड़े इम्प्लीमेंट के साथ आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी भाई ये गलती थी, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों ये देखिए क्या शानदार ट्रैक्टर है। दोस्तों ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर होता है और इसमें 4 वॉल्स होते हैं। अगर दोस्तों दूसरे ट्रैक्टरों की बात करें तो उसमें 2 वॉल टेक्नोलॉजी लगी होती है और इसमें 4 वॉल सिस्टम होता है दोस्तों 4 सिलेंडर के साथ। तो ये चक्कर तो आपके बिल्कुल तोड़ेगा ही नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी है इसमें दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से चलता हुआ ये देखिए दोस्तों, 2 चक्कर लग चुके हैं अब इसमें रोटरी सीटर के। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये काम करता हुआ, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से जुताई हो गई इसमें, गेहूँ की बुआई हो गई है। अब थोड़ा सा आपको ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के दिखाते हैं कि कितने चक्कर ड्रॉप कर रहा है ट्रैक्टर। ये देखिए दोस्तों 1800 चक्कर पे ट्रैक्टर चलता हुआ। ट्रैक्टर भले ही 40 से 50 चक्कर ड्रॉप कर दे पर उससे ज़्यादा चक्कर ड्रॉप नहीं करेगा। देख आरपीएम की सुई बिल्कुल हिलती हुई नज़र नहीं आएगी आपको, जबकि ट्रैक्टर बहुत ही लोड पे चल रहा है। दोस्तों ये काली मिट्टी है, जैसे हमने आपको बताया है ये बहुत ही पक्की ज़मीन है पंजाब, तो इसमें हर ट्रैक्टर के बस की बात नहीं है इतने आराम से काम कर पाना। ये देखिए दोनों लीवर बिल्कुल नीचे छोटे हुए लिफ्ट के। देखिए दोस्तों क्या शानदार काम करता हुआ, आप चक्कर देखिए बिल्कुल ट्रैक्टर चक्कर नहीं तोड़ रहा। देखिए क्या शानदार ट्रैक्टर है, फाइबर छतरी लगी हुई, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ। देखिए क्या शानदार ट्रैक्टर इसमें जुताई करता हुआ, आप देखिए कितनी अच्छी तरह से, आपको यहाँ पे ऐसे देख के लगेगा नहीं कि ये बिना जुता हुआ खेत था। ये देखिए इतनी पक्की ज़मीन में इतनी अच्छी तरह से जुताई करके बुआई करता हुआ एक साथ, ये देखिए कितना अच्छा बिस्तर की तरह लगा दिया। ये देखिए आपको एक भी झाड़ा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि पहले इसमें जुताई हुई हुई है उसके बाद ट्रैक्टर ने बुआई करी है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।